वही अगली खबर मध्य प्रदेश के सरकनपुर से है, जहां बलदेवगढ़ विकास खंड के अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक शाला में 500 से अधिक छात्र संख्या दर्ज है। यहां पर महिला स्वयं सहायता समूह, भगवती महिला स्वयं सहायता समूह और आदर्श महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा मध्यान्ह भोजन वितरित किया जाता है। जानकारी के मुताबिक दोनों स्कूल में काफी अनियमितताएं देखने को मिली है। जिन छात्र छात्राओं के हाथों में किताबें और पेन होना चाहिए, उन बच्चों के हाथों में बर्तन धोया धुलाया जा रहा है। सरकार भले ही छात्र छात्राओं के लिए कितनी भी सुविधाएं देती हो, लेकिन समूह संचालकों के द्वारा अपनी मनमर्जी चलाई जा रही है। साथ ही बच्चों को पानी जैसी पतली सब्जी के साथ मात्र दो रोटी या पूड़ी परोसी जा रही है। यहां तक कि बच्चों को अपने घर से खाना लाना पड़ता है। जब रसोई में जाकर देखा गया तो गैस की जगह लकड़ियों से खाना बनाया जा रहा, जिससे रसोई में चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ है। जब इस संबंध में बीईओ और प्राचार्य एमके अहिरवार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि समूह संचालकों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय के सभी समूहों को प्रशिक्षण को निर्देश दिए गए हैं कि अगर बच्चों को यानी नियम अनुसार मार्केट भोजन दिया जाए और किसी भी बच्चे से यानी बर्तन नहीं धुलवाया जाए, और हमारे संज्ञान में इस प्रकार की बात आई है तो हम निश्चित रूप से यानी जांच कर और नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। तो ये मामला हम आपके सामने ला रहे हैं, जो कि बताया जा रहा है मध्य प्रदेश के सरकनपुर से, जहां बलदेवगढ़ विकास खंड के अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक शाला में 500 से अधिक छात्र संख्या दर्ज है। यहां पर महिला स्वयं सहायता समूह, भागवती महिला स्वयं सहायता समूह और आदर्श स्वयं सहायता समूह के द्वारा मध्यान्ह भोजन वितरित किया जाता है। लेकिन भोजन वितरित करने में बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है और बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। वही यह भी बता दें कि जानकारी के मुताबिक यह भी सामने आया है कि दोनों स्कूलों में काफी अनियमितताएं देखने को मिली है। जिन छात्राओं के हाथों में किताबें होनी चाहिए, वे बर्तन धो रहे हैं। वीडियो आप देख सकते हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर, जो वीडियो सामने आ रहा है, जहां बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए लेकिन बच्चे बर्तन धो रहे हैं। इसी मामले में अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेंद्र सिंह जी। सुरेंद्र, तो सरकनपुर से बड़ा अनियमित मामला आ रहा है, जहां बलदेव विकास खंड के अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक शाला में ये बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। तो अक्सर देखा जाता है कि पढ़ाई, कभी बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन यहाँ तो बच्चों से बर्तन धुलाया जा रहा है। क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा। बलदेवगढ़ विकास खंड के अंतर्गत आने वाला प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला स्कूल सरकनपुर है, जहाँ पे जिन बच्चों के हाथों में पेन और किताबें होनी चाहिए, उन बच्चों से जो स्कूल के समूह संचालक है, माध्यान्ह भोजन के संचालक है, वो उनसे बर्तन धुलवाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में बच्चों का जो पढ़ाई का भविष्य वो चौपट होता जा रहा है और बच्चों की आदत बर्तन धोने की हो गई है। बच्चों से जब पूछा तो उन्होंने बताया कि हम ऐसे ही रोजाना स्कूल आते हैं और जो मध्याह्न भोजन वितरित होता है उसके पहले भी बर्तन धोते हैं और मध्याह्न भोजन खाने के बाद बर्तन धोना पड़ता है। और यहाँ पर ऐसे ही तस्वीर सामने नहीं आई, यहाँ पर जब बच्चों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे दो पूरी और दो रोटी ही दी जाती हैं, कभी पूरी दी जाती है तो कभी रोटी दी जाती है, उसके बाद चाहे बच्चे भूखे रहें या बच्चे घर पे जाएं, ऐसा ही जब से समूह संचालक वहाँ पे भोजन वितरित कर रहे हैं ऐसा ही देखा जा रहा है। जब इस संबंध में प्राचार्य से बात की तो उन्होंने कहा कि जल्द ही समूह जो संचालक है उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी, वही देखा गया कि खाने को लेकर भी बहुत बड़ी, दोनों ही विद्यालयों में अनियमितताएं सामने आई, तो खाने को लेकर क्या क्या गड़बड़ी हो रही है? देखिए, जो खाना है वो बहुत ही खराब क्वालिटी का वहाँ पे छात्राओं को दिया जा रहा है। जी। पानी की तरह पतली सब्जी परोसी जा रही है और मध्याह्न भोजन के नाम पे दो पूरी दी जा रही है। वहाँ पे जो मेन्यू अनुसार भोजन है वो तो आज तक बच्चों ने देखा ही नहीं, ना वहाँ के बच्चों ने चखा है।
अब ऐसे में काफी बड़ा सवाल तो उठता है कि माध्यान्ह भोजन की जो योजना है वो एक पलीता बन के रह गई है, ना तो इस पे कोई अधिकारी संज्ञान ले रहा है और ना ही जो उच्च लेवल के अधिकारी हैं वो उस पे संज्ञान लेते नजर आ रहे हैं। जी, आपने अभी खाने की अनियमितताएं बताई और वही यह भी सामने आया है कि अक्सर ये होता जाता है और बच्चों को पढ़ाई के लेकर कोई दिक्कत आ रही है। जी देखिए, पढ़ाई का स्तर तो कमजोर है ही, पढ़ाई के साथ साथ जो बच्चे हैं उनके लिए ना तो गणवेश की सुविधा वहाँ पे अभी दी गई है और ना ही जो अन्य सुविधाएं छात्र छात्राओं के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए होना चाहिए वो वहाँ पे कोई भी नजर नहीं आ रही है। जी, वही इस मामले में कोई प्राचार्य का बयान? जी देखिए, जो प्राचार्य हैं वो बीओ के पद पे भी पदस्थ हैं। एमएल अहरवाल जी से संबंध में बात की तो उन्होंने बताया कि जो समूह संचालक हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी और नोटिस दिया जाएगा। बर्तन धोने की बात जब उनसे बोली तो उन्होंने कहा कि पहले भी समूह को नोटिस जारी किया गया था लेकिन समूह संचालक ने उस पर अमल नहीं किया। अब देखना यह होगा कि बर्तन धोने का जो सिलसिला है ऐसे ही चलता है या फिर यह बंद होता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, धन्यवाद।